नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। वो मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। फिर चाहे कोरोना महामारी का मैनेजमेंट हो या महंगाई या फिर चीन से सीमा विवाद का मुद्दा, वो ट्विटर के जरिए लगातार इन मुद्दों को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने अब केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी जुमले देने में पीएम का कौशल, विकास के नाम पर धोखा और सरकार की रोजगार मिटाओ परियोजना। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने पिछले 6 साल में 50% से कम युवाओं को नौकरी दी है। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर महंगाई को लेकर केंद्र को घेरा था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था, न हमारे चेहरे जरूरी हैं न हमारा नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। यही है अच्छे दिन। इस ट्वीट के साथ उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ साइकिल चलाकर किए गए प्रदर्शन की तस्वीरें भी शेयर की हैं। इससे पहले एक ट्वीट में उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने सरकार के रुख पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि मिस्टर मोदी और उनके चहेतों ने हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।